नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो अभी से एक से डेढ़ घंटा पहले का नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप लोग बिहार सिविल कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, बिहार सिविल कोर्ट यानी स्टेनोग्राफर की या रीडर की या प्यून की या क्लर्क की, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करिएगा। यानी अभी तक जो समय आप दिए इस वीडियो पर वो भी बाद में आपको बर्बाद हो जाएगा अगर स्किप कर दिए तो, इसलिए लास्ट तक देखिए। देखिए अभी तुरंत अपडेट आ रहा है, जो पटना का जो सिविल कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपडेट आ रहा है कि जो स्किल टेस्ट होगा रीडर का, सब लोग बता रहे थे कि रीडर का रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों देखिए, रीडर का जो रिजल्ट है वो अब 2 से 3 दिन के अंदर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी कैसे पता चला, ऐसा हम थोड़ी है कि मतलब सिविल कोर्ट में बहुत अच्छा जान पहचान, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। देखिए उसके वेबसाइट पर दिया गया है, जो सिविल कोर्ट रीडर का जो एग्जाम हुआ था वो तो रिजल्ट नहीं दिया, लेकिन रिजल्ट कब तक आएगा इसके बारे में संभावना पता चल रहा है। यानी इसलिए संभावना पता चल रहा है कि अभी जो आप लोगों का उसमें जो टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा उसका डेट दे दिया है। यानी जो स्टेनोग्राफर का जो 8 तारीख का स्किल टेस्ट होने वाला है वो उसके बाद 9 और 10 को रीडर का होगा। रीडर का 9 और 10 को इसलिए होगा कि थोड़ा ज़्यादा जनसंख्या है, तो और आप लोगों को जो कहाँ होगा ये भी लोकेशन बताया है कि ये जो स्किल टेस्ट होगा 9 तारीख को अगले महीना में और 10 तारीख को अगले महीना में हो जाएगा, पटना में ही होगा, पटना से बाहर कहीं नहीं होगा। और जो लोग अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं स्किल टेस्ट का, इंतजार कर रहे हैं, आप लोगों को लगता है कि कट ऑफ कम क्या जाएगा नहीं जाएगा, उसके चक्कर में अगर हैं तब तो आपका सिलेक्शन श्योर ही नहीं होगा। मेरी बात थोड़ी आपको बुरा लग सकती है लेकिन यही रियलिटी है, इस बात को आप मान के चलिए। यही रियलिटी है कि अगर आप अभी से तैयारी करना शुरू करेंगे तो दिन रात एक करना पड़ेगा, 24 घंटा में 5 घंटा 7 घंटा आपको टाइपिंग स्किल पर मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपका होने वाला, अन्यथा नहीं होगा। अगर आपका ज़्यादा नंबर भी आ गया तो भी कुछ नहीं होने वाला। और टाइपिंग टेस्ट एक ऐसा चीज़ है दोस्तों कि कितना भी तेज़ है आप, उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, इसको कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। आप इसमें जैसे एक तरह से दौड़ समझ लीजिए कि कितना तेज़ है उससे कोई फर्क नहीं, दौड़ का प्रैक्टिस नहीं है, दौड़ नहीं किया तो इधर से घुसिएगा उधर से बाहर निकल जाएगा, वही है ये टाइपिंग टेस्ट। इधर दीजिएगा इसे से टिपिएगा उधर से बाहर कर देगा, मतलब बाहर करने का मतलब आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। तो अभी से आप लग जाइए। और बता दें कि क्लर्क और जो प्यून का एग्जाम है वो 10 तारीख के बाद कभी भी डेट आ सकती है या इधर बीच भी डेट दे सकता है कि एग्जाम कब होगा। क्योंकि देखिए सिविल कोर्ट किसी का सुनता ही नहीं है दोस्तों, कि सिविल कोर्ट किसी का नहीं सुनता। हाँ एक चीज है कि चुनाव में नहीं लेगा, लेकिन चुनाव के जब सरकार बन जाएगा तो हो सकता है 2 दिन बाद आपका एग्जाम ले ले, क्योंकि इसमें जो आप चिंगारी लग चुकी है, बारूद में आग लग चुका है कि अब बहुत जल्दी हो जाएगा। बहुत दिन हो गया था इसका जो भर्ती आई वो बहुत दिन से पड़ा हुआ था, बहुत लोग तो दूसरे में तैयारी करना शुरू कर दिए थे कि इसका अभी नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, उसके कारण दो नाव पर पैर रख दिए थे। तो इसलिए आप लोग तैयारी करिए, जो सिविल कोर्ट जो क्लर्क है क्लर्क के लिए फॉर्म भरे उन क्लर्क का तैयारी शुरू कर दीजिए, जो उसके बाद प्यून का उनका तैयारी शुरू कर, जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया उनको लगता है कि रिजल्ट हो जाएगा मेरा, तो आप स्किल टेस्ट देना शुरू करिए, कहीं जुगाड़ कर लीजिए। और कितना नंबर आ रहा है रीडर का आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद।